जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में तुहाडा सब दा स्वागत करदा। अज जिहड़ी चर्चा होनी है जां जिहड़ा संवाद करना जरूरी है वह इस करके है कि पंजाब विच स्थित जिहड़े गुरु घर है उत्थों लगातार इहो जिहियां घटनावां मंदभागियां घटनावां साडे सामने आ रही हैं जिन्हां ते सिर जोड़ के मंथन करन दी जरूरत हैगी है। पर असीं इस वक्त पता नहीं किहो जी बहस विच पए होए हां, जिहड़ी साडी बहस है जिहड़ी उह किसे तन पत्तन नहीं लगदी पई। पर जिहड़ियां घटनावां कुछ दिनां विच साडे सामने आई हैं, चाहे वह फरीदकोट होवे, मोरिंडा होवे, पटियाला होवे, राजपुरा होवे, उन्हां ते किहो जी बहस की लोड़ है। अज जिहड़े मेहमान है वह सानूं दस्सणगे सानूं किहो जी बहस करनी चाहीदी है। तो असीं इक्को ही पुछांगे, गुरु घर निशाने ते क्यों? बड़ा सवाल जिहड़ा असी पुछांगे तुहानूं दस दईए कि बड़ा सवाल असी पुछना, सरबत दा भला मंगण वाली कौम अगे मौजूदा दौर च किहड़ा संकट है? इसे सवाल ते चर्चा होवेगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है तुहाडा तारुफ कराउणे ते उस तों बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। हरसिमरन सिंह सिख बुद्धिजीवी ने, हरसिमरन सिंह हरां दा बड़ा लंबा तजर्बा, बहुत इन्होंने किताबां लिखियां ते उन्हां किताबां दे विचाले पंथ नूं एजेंडा भी दे रहे हैं। इन्हां दी जिहड़ी हुण ताज़ी किताब आई है जिहड़ी कुछ दिन पहलां रिलीज़ होई है उस विच पंथक एजेंडा ये दसते पए आ, पर इस वक्त एजेंडा किहड़ा सैट किया जा रहा उन्हें समझने की कोशिश करांगे। हरसिमरन सिंह जी सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। अमरजीत सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल दे स्पोक्सपर्सन है, नाल इस वक्त जिहड़ा पटियाला दुख निवारण घटना होई है उस मामले विच इह वकील भी ने ते मुफ्त कानूनी सलाह दे रही है, कानूनी कार्रवाई दे विच सहयोग कर रही है। एस जी पी सी ने ऐलान किया सी ते धारनी साहब उन्दे वकील भी ने। तो धारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी साबका सिविल सर्जन ने मर्यादा भंग ते बेअदबी वाली डिबेट विच डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी का की रोल होवेगा वो इस करके है क्योंकि बहुतियां घटनावां उन्दे विच जोड़िया जा रहा है कि बेअदबी की है या मर्यादा भंग की है, मानसिक रोगी है वो, मानसिक रोगी गुरु घर ही क्यों जाता है? सवाल डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी तो समझने की कोशिश करांगे, तां ही मैडिकल साइंस नूं भी असी इस डिबेट विच हिस्सा पाउण दे लई बुलाया हैगा कि मैडिकल साइंस का रोल की हैगा वो समझने की कोशिश करांगे। डॉक्टर मुल्तानी तुहाडा बहुत स्वागत है सर। साबका सिविल सर्जन ने प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने, प्रोफेसर मनजीत सिंह इस पूरी डिबेट नूं किस नजरिए नाल देखणगे, उन्हां समझण दी कोशिश करांगे क्योंकि इस पूरे मामले विच धर्म दे नाते सियासत भी लभी जा रही है। प्रोफेसर मनजीत सिंह उनका नितारा करनगे। प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सब तो पहला सवाल डॉक्टर मुल्तानी तुहाडे तों मैं शुरुआत करना चाहुंदा। डॉक्टर मुल्तानी जदों असीं कहिंदे आ मानसिक रोगी है, मानसिक पीड़ा दा शिकार है, दिमागी परेशान है, उह सर गुरु घर ही क्यों जांदा सर? ਕਿਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹਿਬਿਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਬਰਲ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ
ਦਵਾਈ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਵਾਈ ਕੱਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ सरोवर दे कंडे शराब पी लू नहीं नहीं ओ, स, ओ दे, ओ दे दिमाग दे पिछे एक सिस्टम जिहड़ा घुमदा हुंदा जिथे जिथे कौन कह रहा या तो ओने अपनी परसनल ओपीनियन बनाई हुई है या पिछू को मोटिवेट कर रहा है जो है इस तरह मैं शराब की एग्जाम्पल इस करके दी है कि पिछे तुहाडे दिमाग दे विच सिस्टम बनिया होंदा है बहस कर रहे पर मैं तुम बधाई दिना गल छेड़िया इंपोर्टेंट समझिया डॉक्टर साहब या मैनू नहीं पता कि साइकियाट्री दे डॉक्टर हैगे जां जनरल डॉक्टर हैगे मुल्तानी जी पर साइकैट्री का मेरा बहुत वाह वास्ता पी जी आई होर का पिछले पंजा सत्तां सालां दा हैगा मैं उस आधार से कह दिना कि खुद साइकैट्री के डिपार्टमेंट के सीनियर पी जी आई के डॉक्टर मैं ना नहीं लूंगा जो ना कहो तो मैं लै दूंगा मैंने कोई हर्ज नहीं है लोड़ पवे तो वह ये पूछते हैं कि तू दस कि ईन धर्म है वह कहिंदा जी मैं डेरे नूं मानदा जां मैं मंदिर नूं मानदा कहिंदा उत्थे जरूर जाया कर निश्चय नूं पक्का कर तेरे च सैल्फ कॉन्फिडेंस बनूगा तू डिप्रैशन का मरीज आ जे कोई सिख समुदाय का हैगा उहनूं कहिंदे तुसीं गुरद्वारे नितनेम जरूर जाओगा तुसीं टुटे अंदरों तुहानूं बेभरोसगी अपने ते समाज ते हैगी उह दुबारा भरोसा बनना शुरू होगा यह डॉक्टर का कहना मैं पी जी आई के लैवल के डॉक्टर का मैं जिहड़े झोड़ा छाप डॉक्टर की नहीं गल कर रहा यह मैं ये गल कहना कि दोहां ही केसां च बाकी छड़ दिओ तुसीं राजपुरे वाले च एस्टैबलिश हो गया कि वह अलकोहलिक आ 20 साल हो गए वह लेडी ने घर छड्डिया होया आ घर इसे कारण करके उहदा डाइवोर्स हो गया तां वह उस हालत विच वह उत्थे दारू लैके बैठी सीगी ठीक है उसने माड़ा काम किया कुराहत है बहुत ज्यादा साडे मुताबिक बज्जर गलती भी हैगी पर यह किने अधिकार दिता कि तुसीं गोलियां कढ के मार दिओ भाई किने अधिकार दिता सानू बंदियां नू असीं जे किसी नू जान दे नहीं सकते असीं लै सकते हां और दूजी गल जिहड़ा सवाल तुसीं के पी संघ जी गल कह रहे हां मैनू हुणे ही एक डीएसपी ने हुणे ही अद्धा घंटा पहला फोन करके जलंधर तो दस्या वह कहिंदा जी असलीयत यह है कि सारे इहो जिहे जगह ते जांदे आ पर फर्क इन्ना कि साडे उत्थे उन्हां नू कुट्टण मार लग जांदे आ उह खबर बन जांदी आ बाकी बंदे उहनू हौली जी फड़ के बाहर कर दिंदे आ प्रसमजीत सिंह हुण प्रसमजीत सिंह करना की चाहीदा जे कोई उत्थे जे कोई मर्यादा भंग करदा ते उहनू उत्थे पलोसी जाके बंदा किहने किहा इह गल हां मैं इह कहिंदा आ कि जे कोई बंदा है ही उस हालात च जिथे उह इनसेन आ उहदा दिमाग नहीं काम कर रिहा उह पीड़त आ वो तुहाडी मदद चाहुंदा वो तुहाडा सहारा चाहुंदा वो रब दा भी आसरा लैण आया हो सकदा है पर तुसीं कहिंदे कि उत्थे ओह क्यों करदा इह गल ते डॉक्टर दस सकदा साइकियाट्रिस्ट चलो मैं पुछ रहा डॉक्टर साहब कहना चाह रहे कुछ हां डॉक्टर साहब बोलो दिमाग जिस ढंग ट्यूनिंग हुए होंगे करने की कोशिश करते हो नहीं नहीं डॉक्टर मुल्तानी प्रोफेसर मनजीत सिंह जो सवाल चुकते पे कहते पे है कि जो आप सवाल खड़ा करते गुरु घर क्यों जाता है वो कहते डॉक्टर आप कहते हैं जिथे थोड़ी लिव लगी है जिथे थोड़ा पसंद है जाना उत्थे जाओ चाहे वह मंदिर है गुरुद्वारा है धार्मिक स्थान है जिथे मर्जी जाओ नहीं नहीं वो एक सैकंड इशू है गुरुद्वारे मंदिर जाने वास्ते डॉक्टर थोड़ी कहते हैं कि उत्थे जाके जिहड़ी हैगी है जिहड़ी मोस्ट रिस्पेक्टेड चीज हैगी जाके ते उसनू बेदबी करने की कोशिश करो तुहानू गुरुद्वारे जाने वास्ते क्या सी इह कह सकदा कि तुसीं नंगे पैरी जाओ तुसीं बूट पा के जाओ तुसीं उत्थे जाके मेडिकल साइंस है वो जड़ी गल कह रही है उस पॉलिटिकल साइंस है जड़ी वो की कह रही है तो रिलीजियस साइंस की कहना चाहती है वापस आ रहे हैं मुड़ तो तुहाडा स्वागत करते हैं तो बड़ा सवाल असीं पुछ रहे हैं सरबत दा भला मंगण वाली कौम अगे मौजूदा दौर च किहड़ा संकट आ तानी साहब मैं तुहाडे कोल बाद विच आऊंगा हरसिमरत सिंह जी पहला तुहाडा मैं टेक ले लवां एक
हरसिम सिंह जी, डॉक्टर साहब ये गल कह रहे हैं कि कोई भी मानसिक रोग की है या नहीं वो बाद का सवाल है, पर जे वो है तो उनका कंट्रोल है किसी होर को, इस नाल इतफाक रखते हो? हरसिम सिंह जी वो कंट्रोल की जी गल करते हैं डॉक्टर साहब, आया किसी शख्सियत या संस्था या कोई होर व्यक्ति थर्ड परसन कंट्रोल कर रहा है या वो जी अंदरूनी जी उसदिया डायमेंशनस ने जी डिस्टर्ब कर टेंशनस ने डिस्टर्ब कंट्रोल कर रही ने। मुद्दा मैं महसूस करता के पी सिंह जी इस वे जो बन गया है वो इस तो अगे जा चुका है। सानू मेंटल हेल्थ या मानसिक रोगियों तक नहीं महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए। यह मुद्दा इन्ना पिछले सालों हो चुके हैं, असी इस सुन सुन के ही मतलब महसूस हो रहा कि यह अपने आप के एक रेलेवेंट सवाल हो गया। सवाल यह है भी जी कौम गल कर रहे हो साढ़े सामने एक दर्द है, एक साढ़े सामने संकट आ चुका है कि असी इन्हें किन्ना क बर्दाश्त करते रहेंगे, ये जो हो रहा है इसका हल की है। प्रोफेसर मनजीत सिंह जी इस गल को बड़ा महसूस करते हैं भाई, जेकर महसूस करता भी उस औरत उस बंदे किन्ने अधिकारता जाके तो उठ जाके बेदबी करे, एक काउंटर है ना जी, दोनों दोनों जुड़िया हुई ने। एक व्यक्ति अज तक असं नहीं कुछ किया, किसी बंद ने नहीं किया कि जो घटना वापरी ने, लेकिन सवाल है भी कानून साड़ी की प्रोटेक्शन करता है। ये ठीक है कि 295 ये केस दर्ज हो जाता है, बंदा जमानत आ जाता है या किस हो जाता है, पर सवाल है भी की जी है स्टिंटेंज मीडिया जो ने जी सजावान इस करके दिक्कत आ रही है। हरसिम सिंह जी मैं दसदा सर दिक्कत की है, दिक्कत यह है क्योंकि मर्यादा भंग से बेअदबी में अंतर ही नहीं असं समझा पा रहे सर। बेदबी देखो बेदबी तो हर कोई बेदबी जो कड़ी देखो हर गुरुद्वारे की हर सिख धर्म के स्थान की अपनी मर्यादा है, उन्होंने मर्यादा कौन भंग करेगा। जिम्मे अमृतसर देखो होया कि समझाओ हरसिम सिंह जी, मैं सर तुम मान के चलो मैं एक विद्यार्थी हाँ, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं समझ वास्ते इतने बैठा सर, मैं थोड़े तो समझना चाहना। हरसिम मैं दसो सरोवर कंटे कोई शराब पीता कोई बूट पा के चला गया, यह मर्यादा भंग है या बेअदबी है सर? दोनों ही ने जी, दोनों ही ने जी, मर्यादा भी भंग होंगी है, बेदबी होंगी है और बड़ी बड़ी क्रूर तरीके। चलो मैं एक होर सवाल करता सर हरसिम सिंह जी, आज मेरे ना बहुत लोग गुस्से भी हो जाएंगे, मैंने पता है इस गल का। मैं एक होर सवाल करता हरसिम सिंह जी, मैं एक होर सवाल करता सर जो बरगाड़ी वापरिया गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, जो मरिंडे वापरिया तो जो सरोवर के कंडे वापरिया तो जो बूट पा के एक नौजवान उत्थे गया, यह चारे घटनावां नूं तुसीं बेअदबी की कैटेगरी रखोगे सर? जिहड़ी बेअदबी बरगाड़ी वाली है वो बड़ी एक्सट्रीम फॉर्म की बेअदबी है, जिथे कि तुम मैं गुरु ग्रंथ साहब चोरी करके उन्होंने पत्थरे अगे मतलब खिलार देते हो, वो एक्सट्रीम फॉर्म की बेअदबी है। यह एक जी मर्यादा की भंग करने वाली बेअदबी है, ताकि यह बेअदबी दोनों बेअदबियां ने, लेकिन वह है कि एक बड़े बड़ा क्रूर जुर्म है, पर सवाल है बेअदबी दोनों पास ही है। चलो मैं थोड़ा जहाँ होर डिफरेंशिएट थोड़े तो चाहना है, इन मरिंडे तो बरगाड़ी वो बेअदबी हुई है, तो जी पटियाले तो राजपुरा होया वो की होया सर? चारा दे विच कॉमन है जी, बेअदबी कॉमन है। चलो ठीक है सर मैं वापस आऊँगा। धारनी साहब एक सवाल मैं तुहाडे तों जरूर लैना चाहुंदा, धारनी साहब उहदा जवाब तुसीं की देना है तुसीं देखना सर। धारनी साहब जिहड़े बंदे ने उत्थे कतल कीता तुसीं उस दा केस लड़ रहे हो, धारनी साहब पहला तो मैं साफ कर दो। देखो ये सवाल है ना जो ये दोवें चीजा गलत है, एच केस मैं लड़ रहे हैं पर तुसी उनु दोषी नहीं ठहरा सकते कि उन्हें ही कतल किया, जेड़ा बंदा फड़िया गया है असी उनु जेड़ा है लीगल हेल्प नहीं सर, मैं तो सवाल ही नहीं किया, मैं तो यह पूछ रहा सर भी तुसी उस शख्स का केस लड़ रहे हो जेड़े बंदे ने कतल किया जां जिन ते कतल दे इल्जाम है, मैं होर स्पष्ट हाँ, कर हाँ, 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 हाँ। जिस बंदे दे उते इल्जाम ला के FIR दर्ज की गई है असी उनू जेड़ा हैगा पूरे तरीके दे नाल जेड़ा हैगा कानूनी हेल्प दवांगे। चलो पूरी SGPC ये मानती है कि वो बंदा भावनावां दे तहत उन्हें मर्डर किया दोषी नहीं हैगा, ये मानती है SGPC? नहीं वो बंदा नहीं, जिस बंदे ने भी जेड़ा हैगा ये गल होई हैगी है इहदे पिछे जिहड़ियां भावनावां हैगियां उस बंदे दा जदों सारा कुछ जिहड़ा हैगा कानूनी प्रतिक्रिया दे विच आजूगा उस तो बाद देखांगे कि उसने भावनावां दे विच हुण जदों भावनावां दी गल देखो तुहाडे बड़े क्वेश्चन सी जिहड़े अपना सिख स्कॉलर सी भाई साहब इन्हां नूं इन्हां दा जवाब मैं दिंदा तुहानूं। देखो
एक शब्द है अदब, जदों ओदे मूहरे बे लग जाए तो उल्टा हो जाता है। मैं थोनों अगली गल दसदा, तुसीं इन्हां नूं डिफरेंशिएट करन दी कोशिश कीती, जदों आदम खत्म हो जाए तो बेअदबी बन जाती है। देखो जिहड़ा जिथों तक आप दुख निवारण साहब की गल करिए, पहला वह चीज जिहड़ी हैगी आ उत्थे बसंत पंचमी नूं उसे सरोवर दे विच लोक इशनान करके अपने दुख दूर करन वास्ते, दुख निवारण करन वास्ते जांदे हैगे। दूजी गल, आ सिख धर्म दे विच इक गल जरूर हैगी है कि पंज रहतां और चार करहतां, चार करहतां दे विचों वज्र करहत जिहड़ी हैगी आ उह हैगी आ तंबाकू दी सेवन करना। उस लेडी ने उत्थे जाके पहला शराब पीती उस सरोवर दे कंडे दे उत्ते, मुड़ के उह जरदा मलन लगी सी। जदों मतलब प्रबंधकां ने उहनूं रोकण दी कोशिश कीती ता उसने वह जो शराब का पौआ सी वह भन के उहदे उत्ते अटैक करन दी कोशिश कीती भी तुसीं मैनूं किवें रोक सकदे आ। जदों उहनूं दफ्तर दे विच लेके गए, दफ्तर दे विच जिहड़ी इह घटना होई, हुण इस नूं तुसीं जिहड़ा हैगा जिस थां दे उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे आ मानता दे हिसाब नाल कि जे तुसीं भाई उरे आके इशनान करदे आ तां साडे नेड़े भी इक गुरद्वारा हैगा, गुरद्वारा साहब जिथे जिहड़ा हैगा गुरु तेग बहादुर साहब ने इसे सीकुएंस के दौरान कहा कि जिहड़ा इस सरोवर के इशनान करूगा उहदे शरीर के सारे रोग जिहड़े हैगे दूर हो जाएंगे। अगली गल जिहड़ी हैगी आ, एक इंसान जिहड़ा हैगा उह उहनूं पता है कि गुरद्वारा साहब के विच तुसीं नहीं जा सकते, बेअदबी करन वास्ते तुसीं बूट पा के नहीं जा सकते, तुसीं नंगे सिर नहीं जा सकते, पर फिर भी वह जदों जांदा हैगा इसे तरीके दे नाल आपां उन्हूं जेड़ा हैगा ना किसे तरह बेनिफिट आ डाउट ना दिंदे। तारी साहब, एक प्रश्न, मनजीत सिंह ने जिहड़ी सलाह दित्ती सी तुसीं उस नूं मन्ना नहीं मन्ना तुहाडी मर्जी है, कि जिहड़ी औरत दे उत्ते इह इल्जाम है कि वह इदां कर रही सीगी, कि उन्हूं समझा बुझा के जां पुलिस दे हवाले करके मसला नजिठिया जा सकदा सी जां नहीं? तारी साहब देखो बिल्कुल करिया जा सकता सी। देखो मैं भी एक लॉ दा बाइडिंग सिटीजन हैगा, मैनू भी लगता हैगा कि जे कानून हाथ दे विच लेण लग जाओगे फिर तां तुसी पर कुछ लोग इन्ने जिहड़े हैगे आ रिलीजियस माइंड हुंदे आ, इमोशनल हुंदे आ, उन्हां दे उन्हां ने गुरबाणी दे विच इह शब्द भी पढ़िया हुआ हुंदा कि जे जीवियां पत लथी जाए एक सैकंड लई, पर दूजी गल उन्हां ने इह भी सुनी भी हुंदी है। हुण आपां इत्थे ना जिहड़ा रोल दी गल करिए, जिहड़ा आपां जिहड़ा छड्ड गए आपां, देखो इहदे विच एडमिनिस्ट्रेशन दा की रोल हैगा, पुलिस दा की रोल हैगा। इस पिछले टाइम दे विच मैं एको मेरा क्वेश्चन हैगा सरकार नूं, वो सरकार जिहड़ी बेअदबियां दे सिर दे उत्ते जिहड़ी हैगी आ कि बेअदबियां दे उत्ते सर, मैं सरकार दा सवाल नहीं कर रहा सर, मैं सरकार दा नुमाइंदा साहब दा फिर मैं तो सर एक सिंपल सवाल करना तारी साहब, तुसी मेरा सवाल एक मिनट सर सुन तो लो ना, तारी साहब सुन लो ना सर, सुन लो सर, बड़े बड़े सियाने हो तुसी तारी साहब, तुसी जस्टिफाई करदे हो सर इस मर्डर नूं, जस्टिफाई करदे हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जस्टिफाई करता हैगा, पर जे दूसरे पास पे तू कार अजहमा हील ते दरगुजस्त केड़ी गल कर रहे हैं तारी, केड़ी गल कर रहे हैं? बिल्कुल मैं दसदा जी, किथे लागू हुंदी है ये? ना बोलो, मैं दसदा, मैं दसदा, बिल्कुल गलत गल कर रहे हैं। मेरी सुनो गल नूं पहला, इस तरह नहीं हैगा तुसी विच बोलोगे। मैं ये कहना है कि जे पुलिस अपना रोल निभावे, जे सरकारां अपना रोल निभावण, जे मैं क्वेश्चन पूछदा तुहानू प्रोफेसर मनजीत सिंह जी के हुण तक एक भी बेअदबी, चलो मैं कहना एक बीमार सी दूए नू जिहड़ा हैगा, जिन्नियां बेअदबियां होईयां उहनां दे विच टारगेट किहड़ी जगह हैगी आ? दूजी गल कि एक दे भी पिछे जिहड़ा हैगा किसी हालात नू फड़न दी, तुसीं गल तां कर रहे हैगे आ, मैं अपने इहनां नू KPG नू भी भेजे हैगे आ, पेपर भेजे हैगे आ, मैं कोर्ट नू एप्लीकेशन दित्ती के जी इस दे विच ऑनरेबल कोर्ट इहदी जिहड़ी हैगी आ आप इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी हैगी आ उहदी कल्ली कल्ली जिहड़ी हैगी आ। चलो ठीक 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 है सर, मैं वापस आ रहा सर, मैं वक्फा लेना सर, एक वक्फा लेना, मैं आ रहा प्रसव आ रहा है, बहुत ये वड्डे सवाल है इस बहस दे विच ते बहुत संजीदगी भी चाहिए उन्होंने सवालों नूं समझण दे लई, उन्होंने सवालों नूं करन दे लई, हालांकि कोशिश साडी जारी हैगी है, संजीदगी असीं किन्नी रख पाने हैं, पर जे इस मामले नूं दोहां पक्खां तों ना समझा गया फिर ना इंसाफी होगी, सानूं दोहां पक्खां तों समझना पऊगा, उस वक्त समझना पऊगा कहिंदा मोटिव की हैगा, ते तुसीं
उस मोटी दे विचाले किते आपदा जिहड़ा असल सिद्धांत हैगा उस नूं दरकनार तां नहीं कर रहे। वापस आ एक बार फिर तुहाडा स्वागत करदे हां ते सरबत दा भला मंगण वाली कौम अगे मौजूदा दौर च किहड़ा संकट आ सी इही सवाल करना। प्रोफेसर मनजीत सिंह, प्रोफेसर मनजीत सिंह, कानून जिन्ने मर्जी बने होण इंप्लीमेंट किवें करने आ उह सरकारां दी प्रशासन दी जिम्मेवारी है। प्रोफेसर मनजीत सिंह, जदों कोई उत्थे बेअदबी होई आ, मर्यादा भंग होई है, तो किसी दीआं भावनावां कदों आहत हो जाण सर? ये तो कोई गरंटी नहीं दित्ती जा सकदी। प्रोफेसर मनजीत सिंह, साढ़े मुल्क विच सर, प्रोफेसर मनजीत सिंह, साढ़े मुल्क विच जे रिलीजियस सेंटीमेंट्स उन्होंने भड़काना बहुत सौखा सर। प्रसम जी सिंह बोलो। हूँ मैं ये कहना कि जे इस तरह ही चलता रहा तो जिहड़ा इस्लामिक कट्टरवाद आ और जां इत्थे कदी बजरंग दल जां होर जो करदे फेरे आ गऊ रक्षक जो कर रहे आ असीं उन्हां नालों बिल्कुल अलग नहीं नजर आवांगे। असीं उस परिस्थिति च पहुंचते जाने आ। धारनी साहब हुणे एक गल करन लगे सी, मेरे को नहीं रुकिया गया, सॉरी मैं तन विच टोकिया। की कहन लगे सी? वो दसवें पातशाह दी जिहड़ी है, चूंकार अज हमा ही ते दर गजस्त बुर हलाल अस्त बुरदम बाशम शीर दस्त, ये कहन लगे सीगे। ये गल ढुकदी है इत्थे? आपां की हुण गुरुआं दीआं उन्हां शिक्षावां नूं इन्ना तोड़ मरोड़ के अपनी राजनीति करन लई असीं पेश करांगे? हद हो गई है। कोई बंदा नहीं। प्रसम जी सिंह, प्रसम जी सीधा कहो ना, प्रसम जी सीधा कहो, तुसीं एसजीपीसी नूं केस लड़ना नहीं चाहिए होंदा, तुसीं ये कहना चाह रहे हो? नहीं 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 नहीं, केस ते लड़ो, गल करो, उन्हें भी कानूनी सहायता चाहिए। मैं उदा नहीं कंटेंट कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं उन्हें कह रहा कि वो उस किस्म का दोषी आ, उन्हें उदिया धार्मिक भावनावां आहत हुई उन्हें कर दिता, मैं उस गल का भी नहीं कह रहा, मैं उस गल च भी नहीं जा रहा। मैं जा रहा कि उन्हें जस्टिफाई कर रहे, ये तो इन्हों की, ये नहीं उस तरह, ये तो वकील है कि यही कानून भंग कर करेंगे। एक मिनट, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, गलत कह रहे हो। कह लगे सी मैं ना, बिल्कुल नहीं, मैं बोलन दो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਈਏ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ? ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੱਕਾ ਉੱਧਰ ਪੈਰ ਕਰ ਦਿਓ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸੰਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗਾ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਤ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਆਫ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਤੀ,
मुड़के उस बंदे दी जड़ी हैगी है 162 दे विच जमानत करा दी। चलो ठीक 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 है सर, ठीक ठीक है तारी साहब, तुहाडे तुहाडे पॉइंट आ गए, तुहाडे पॉइंट आ गए। डॉक्टर मुल्तानी मैं एक चीज तुहाडे तों समझना चाहुंदा है, जदों धारनी साहब कहिंदे कल्ला कल्ला पॉइंट विचारना चाहिदा उत्थे, तुसीं तां इस पॉइंट नूं खारिज ही करता सिद्धा मानसिक रोगी वाला, वह पॉइंट भी आऊगा ना विच डिबेट च, उत्थे आऊगा ना केस विच। देखो केपी सिंह जी, मैं ये गल कही है कि ये जो इंसीडेंट्स अनेक सीरीज के विच हो रहे हैं, कोई एक दी गल नहीं हो रही। जे एक दी गल कोई हुंदी तां फिर असीं इस गल नूं कंसीडर कर लेने कि शायद ये कोई वेग जिहा इंसीडेंट है। ये तां एक इस ढंग दे नाल हो रहा है कि एक सीरीज चली जा रही है जिहड़ी हैगी है। तुसीं जिहड़े ये बंदे अंदर बणे उन्हां दी गल छड्ड के जदों आपां बरगाड़ी वाली तुसीं हुण इशू विच रेज कीता ही है, जां उदन गुरदासपुर दे विच जो कुछ होया, मानसिक रोगी है, दिमागी तौर पर परेशान है, तुसी मेडिकल साइंस वजो देख रहे हो या पोलिटिकल साइंस वजो देखना तुसी इन्हां नूं? नहीं, मैं मेडिकल साइंस के हिसाब नाल इस करके गल कर रहा कि असी हर बंदा जिहड़ा हैगा उहनूं इह गल कह के हल की है? तुसी वार वार हल की गल करते हो, जिहड़ा मिस्टर धारनी कहिंदे आ कहिंदे भी सरकारां नूं दसना चाहिए, डॉक्टर मुल्तानी कहिंदे आ कि कंट्रोल कोई होर कर रहा दिमाग, प्रोफेसर मनजीत सिंह कहिंदे आ सानूं ठरम्मे नाल काम लेना चाहिए, सोचना चाहिए, संवाद भी करना चाहिए, सानूं उहो जिहे हालात इत्थे नहीं पैदा करने चाहिए जिहदे नाल सारी पूरी कौम नूं कटहरे च खड़ा किया जाए। हरसिम सिंह जी कौन की करे सर, दसो हरसिम सिंह जी। देखो गल ये है, जो सारे स्कॉलर्स कह रहे ने वो ठीक कह रहे ने, अपनी जगह सारे ठीक ने, लेकिन मैं समझदा हां कि ये जिहड़ा दर्द मिल रहा है इसलिए पंथ नूं, सिक्खी ते जो हमला हो रहा होया ये बड़ा खतरनाक है। ये जिहड़ा साडे ये सारा स्पष्ट करता है, सारी सारियां दा डिबेट दे सांझा पॉइंट बनता है कि असीं इक सिख सोसाइटी च रह रहे हैं, बीमार मानसिकता साडी हैगी। हरसिम सिंह जी वैसे मैं पॉइंट लिआउणा नहीं चाहुंदा सीगा, पर मैनूं हुण पॉइंट लिआउणा पैणा, जे तुसीं कह रहे हो कि संकट खड़ा किया जा रहा है, जो पिछे कोई हैगा हरसिम सिंह जी, सर जो कोई हमला कर रहा, तुम हमला शब्द वरत्या, जो कोई हमला कर रहा वो हमला पहला इस तरीके ना हुंदा सी किसी होर बरादरी जां किसी होर कौम धर्म जात पात नूं लिया के हमला किया जाता सीगा, हुण तां सर अंदरों हो रहा हरसिम सिंह जी, उहदा हल दसो सर मैनू। देखो जी मैं जी गल कह रहा ना, मेरी गल पूरी गलन दियो, ये साडा नैतिक निघार है, नैतिक निघार सिख सोसाइटी च रह रहे हैं, एक बीमार मानसिकता च रह रहे हैं। डॉक्टर मुल्तानी इसको चंगी तरह समझ सकणगे कि ये जो सारे हालात ने बारे की सांझी पॉलिसी की बनी जाए कि इसको किवें टाकरा करना है। अगर कोई बंदा एक्सैप्शनल केस किसी मार दिंदा है तो डॉक्टर प्रोफेसर मनजीत सिंह कहते हैं कि तुम तालिबानी तो बजरंग दल की गल करते हो, साडा की फर्क है? सवाल एक एक्सैप्शन केस है, वो ऐसी गल बनी कि सामने बंदा आ गया, उसने अपना भावना संवाद करांगे ना सर। हरसिम सिंह जी एक मिनट सर, सुन तो लो ना हरसिम सिंह जी, तुम भावनावां च बह गए सर, सुन तो लो ना सर, सर सवाल तो सुन लो हरसिम सिंह जी, सर सवाल सवाल सुन लो। प्रोफेसर मनजीत सिंह एक नुकता खड़ा करना चाहते हैं, वह कहते हैं कि जिहड़े बंदे बेअदबी करते जां मर्यादा भंग करते हैं जां कोई भी इहो जी घटना नूं अंजाम दिंदे आ जिहड़ी मर्यादा दे उल्ट आ, हरसिम सिंह जी वह कहते हैं भी उहदा खुरा खोज लभण दी सानूं जरूरत है, मारना हल नहीं हैगा, उहदे पिछे कौन आ सानूं लभना पैणा, वह ये कह रहे हैं।
मैं उही कह रहा कि एक बड़ा वड्डा संकट आ गया होया है। ये महज आप मानसिक रोगियां जां उन्हें उत्थे मारदा तुरत जो मारदा एक बड़ा वड्डा संकट है पंथ उत्ते धर्म धर्म की संस्था उत्ते धर्म का संकट है। इस बारे संजीदा होकर विचार करना पेगा ना कि एक दूजे इल्जाम दे के। हाँ तो कौन करू सर विचार, कौन करूगा सर विचार, विचार किन्ने करना सर, सरकार विचार कर, श्रोमणी कमेटी विचार करे, पंथक जना विचार कर, सिख जथेबंदियां इकट्ठे होण, सर किवें होया विचार, दसो ना। कानून अपनी थां ते सख्त होवे पर सवाल है जे सख्त कानून बलात्कार वास्ते ते कतल वास्ते सख्त है ते कतल कहड़े की हटके ने बलात्कार इत्थे आओ। चलो मैं इत्थे आ रहा तुहाडे नाल वापस आ रहा, वापस आ रहा मैं तुहानू सारयां नू सुनना सर, मेरा कोई पॉइंट नहीं है, मैं तुहानू सारयां नू सुनने लई बुलाया अज्ज। एक छोटा जिहा ब्रेक, ब्रेक तो वापस आवांगे गुरु घर निशाने ते, क्यों सवाल बहुत सारे है, सारे सवाल लऊंगा, वापस आ रहा। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं, तो बड़ा सवाल असं यह पूछ रहे हैं कि सरबत का भला मंगन वाली कौम अगे मौजूदा दौर च कौन सा संकट है। धारनी साहब की कहना चाह रहे हो, फटाफट बोलियो प्लीज। देखो जिहड़ा ये प्रोफेसर मनजीत सिंह उन्हीं गल कर रहे हैगे ना, एक निर्भया केस दिल्ली दे विच रेप केस होया सी, जितों बाद सारा जिहड़ा हैगा 376 और 354 बदल के रखता। देखो मैं प्रैक्टिकली कानून दे विच रहिंदा हैगा, मैनू पता है कि किन्ने रेप होंगे है, एक्सैप्शनल केसेस होंगे है जिन्हों के बिच जिहड़ा है जिस तरह समूहिक बलात्कार होंगे है, क्यों इन्होंने बदले वो सारे कानून इस करके कि लोग डरन। पर जो साढ़े धर्म की गल आती हैगी है उत्थे जदों जिहड़ा है इन्हों मते पा के दते जाने हैं पार्लीमेंट दे विच क्यों नहीं किया जाता है। एक मिनट मेरा सवाल ले लो, मैं तुहाडे सवाल ने अगे वधने आ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 295 ਡਬਲ ਏ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਫਿਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ। ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੇਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਸਰ ਆਪਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਕਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਥੋੜੀ ਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਥੋੜੀ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਸਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਸਰਾ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਅਦਬ ਬੇਅਦਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੂ ਕੌਣ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ
आप डिमांड की गुरुद्वारा साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे जिहड़ा हैगा जिहड़ा आसन हैगा उहदे सामने जिहड़ा हैगा सवेरे ही जिहड़ा श्री साहब कोशिश की जा रही है सवाल अज का कंटेस्ट है कि हो रहे ने कि वाकई सिर्फ मानसिक रोग ही कर रहे ने कि इहदे पिछे कुछ है डिबेट इत्थे पहुंची है कि खुरा खोज लभण दे लई सानू सारियां कड़ियां जोड़नियां पैणगियां ते ओह कड़ियां जोड़न दे लई सारियां नू एक दूजे दे नाल मंथन करना पऊ सिर जोड़ना पऊ चाहे वह पुलिस है चाहे वह गुरद्वारा प्रबंधन है चाहे वह पोलीटिकल धिर है चाहे वह सिख जथेबंधियां है चाहे कोई होर धर्मां दी जथेबंधियां सारियां कट्ठे होना पऊगा। हरसिमरत सिंह जी देखो तुहाडी गल ठीक है मैं महसूस करदा कि असले दो पावर सेंटर ने साडे कोल सिख पंथ दे पंजाब दे इक पंजाब सरकार है इक अकाल तख्त साहब है सानू सारयां नू कलैक्टिव एफर्ट्स करने पैणगे इह जे साइकाट्रिस्ट जे प्रॉब्लम्स ने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ने सोशल प्रॉब्लम्स ने रिलीजियस प्रॉब्लम्स ने नफरत दी प्रॉब्लम्स ने इह सारा कलैक्टिव एफर्ट्स होणगे और इह मैं कहां शुरुआत हैगी है इन्नी बदबेदबी हो गई ने इन्ना कठिन घरेलू आस्पेक्ट तो नहीं विचार किया जाता एक नवा समाज नहीं सिरजा जाता उस वास्ते नहीं यतन कर रहे तक यह मसले हल नहीं होने जी मेरे कहना ठीक प्रसमजीत आखिरी टिप्पणी प्रसमजीत जिहड़ी गल हरसिमरन जी कह रहे हैं मैं इहदे नाल सहमत हाँ पंजाब जिहड़ा आ जां साडा सारा ही समाज आ उह सिख समाज हौली हौली बणदा जांदा खपतकारी समाज बणदा जांदा परिवार टुट रहे आ पिंड टुट रहे आ लोक वड्डी गिणती च डिप्रैशन च जा रहे आ तुसीं जाके डाक्टरां नाल गल कर सकदे आ डिप्रैशन वाली गल मैं मानदा तुहाडी डिप्रैशन बहुत ज्यादा WHO ने भी एक वारी कहा सीगा पिछले सालां दे विच मेरा सवाल है प्रसमजीत सिंह जो धारनी साहब एग्जांपल दिंदे आ कि असीं उत्थे जांदे आ असीं मान असीं बीमार हो चुके आ सारे लोक असम्पशन लैके चल रहे हैं वो डिप्रेशन चो नहीं हो रहा किसी सिख माइंड चो नहीं हो रहा ओदे पिछे कोई फिरकी घुमा रहा दूजी गल कि सानू आप सोधा लाना चाहिए जिहड़ा धारनी जी गल हैदराबाद वाली चार बंदियां नू जिहड़ा मारिया सीगा उस गल दी गल करन लगे सीगे ते जदो जी असीं लॉ दी गल करदे आ एजेंसियां नू दिंदे आ उत्थे सानू इंसाफ नहीं मिलदा फिर इसलिए असीं आप ही इंसाफ अपनी रखिया आप करांगे भाई एक गल समझ लो लोकां दी श्रद्धा हुंदी है लोग आस्था ना आउंदे आ लोग सानू इंसाफ दे धुरे मन्नदे आ ते जे उहनां दे मन च इह चला गया ना कि सिख भी बेइंसाफी करदे आ ताले लग जाणगे गुरुद्वारियां नू
कोई नहीं आऊगा डरता मारा इथे। चलो चलो एक मिनट हर से प्रसम जी से रोक दो। हां हरसिम सिंह जी ठीक है सर, प्रसम जी से थोड़ा टेक आ गया, थोड़ा टेक आ गया। हां हरसिम सिंह जी बोलो फटाफट। सहमत हाथ जोड़ के मैं कहना जे लोगों च मैसेज ए जाऊगा कि ए आस्था की जगह नहीं है डिबेट थोड़ी है। मेरा कहने का भाव हैगा जी के जो कह रहे हैं कोई जरूरी उन्होंने कोई गल भी सही नहीं कही। प्रसम मनजीत सिंह ने कोई टिप्पणी सही नहीं की। मैं थोनू दसदा जी उन्होंने अपनी विचारधारा हो सकती है पर जदों देश के राष्ट्रपति साहब नू एक मंदिर दे विच इस करके नहीं बढ़न दिता जांदा कि कुछ पिछे कारण सी और दूसरी गल जदों मक्के दे विच नॉन मुस्लिम नू नहीं बढ़न दिता जांदा तां उन्हां दा स्ट्रिक्ट जिहड़ा हैगा ते क्वेश्चन हैगा कि असीं नहीं इह करन दिंदे। जे असीं कहिंदे हैगे आ के मर्यादा नू जरूर ध्यान रखा जाए, साडी मर्यादा नू तोड़ के बेअदबी की जाती है तां सरदार मनजीत सिंह जी उहने गल करदे हैगे। चलो तो मर्यादा मर्यादा भंग होई उस औरत ने की, तुसीं उहदी मुखालफत करदे हो, सारा नू करनी चाहीदी है कि कतल होया उस नू तुसीं जायज़ ठहराउंदे हो जां नहीं। तारे सर बिल्कुल असीं नहीं कहिंदे किसे चीज़ नू इस तरह जायज़ कर रहे, कहिंदे असीं तां कहिंदे आ कि सरकारां सरकारां पुलिस अपना रोल सही निभाउण, किसे नू ए प्रॉब्लम इत्थे तक पहुंचे ही ना। चलो ये भी सानू मंथन करना पऊ, यह प्रॉब्लम इत्थे तक पहुंची क्यों, किहड़ियां सरकारां दी वजह करके पहुंची, किहड़ियां संस्थावां दी वजह करके पहुंची, सानू इस ते मंथन करना पऊगा। बहुत धन्यवाद हरसिम सिंह जी, तुहाडा तानी साहब तुहाडा बहुत धन्यवाद, डॉक्टर मुल्तानी तुहाडा बहुत धन्यवाद, प्रसमनजीत सिंह तुहाडा बहुत धन्यवाद। इस डिबेट दे विच मैं अंत दे विच तुहाडे तों माफ़ी चाहुंदा, कई सवाल मैं इहो जिहे कीते आ जिहड़े तुहानू सवाल चंगे नहीं लगे होणगे, पर जे अज्ज उह सवाल ना कीते जांदे ते फिर तुसीं कहणा सी तू सानू चंगा नहीं लगदा, तू सवाल नहीं कीते। बहुत धन्यवाद।